हेलो, वेलकम टू द प्रकाश क्लासेस। द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर करा रहे हैं क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, जो कि होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर के इजीली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि हमने कुछ टॉपिक्स कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो ये आज होने वाला है इसका पार्ट 3, जो कि चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 होने जा रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे रंध्र के बारे में कि रंध्र क्या होते हैं, और इसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है स्टोमेटा, और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पे रंध्र, रंध्र यानी स्टोमेटा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले, स्टोमेटा क्या होते हैं। जिस प्रकार हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिसमें से कि क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं या ज़्यादा गर्मी में चलते हैं तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी स्किन में से पसीने किस रास्ते से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में भी छोटे छोटे जो है इस तरीके के छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारी बॉडी में से बाहर की तरफ को निकाल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में भी छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या एक्स्ट्रा जो गैसेज होती हैं वो पेड़ पौधों के अंदर से जो है हमारे वातावरण में निकाल दी जाती है। तो इन्हीं छोटे छोटे से छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं अब इसके बारे में जो इसमें लिखा हुआ है। देखिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, कहने का मतलब जो पत्ती की सतह है, जैसे कि ये पत्ती का एक डायग्राम दिया गया है इसमें, तो इसकी सतह पर, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। कहने का मतलब ये पूरा एक पत्ती का डायग्राम है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। तो इसके अंदर ये इस तरीके के छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं इसके अंदर। तो इसमें फिर होता क्या है आगे, तो इन्हीं को रंध्र इन्हीं को ही स्टोमेटा बोल दिया जाता है। अब रंध्र के मुख्य कार्य, अब जानते हैं इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। कहने का मतलब जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे अपनी क्रिया करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर और जो एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं उनका आदान प्रदान इन्हीं छोटे छोटे से छिद्रों के माध्यम से ही किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जो पेड़ पौधों के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको पेड़ पौधों के अंदर से बाहर निकाल देना, उसे बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है। जो जड़ों के अंदर से जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये जाइलम ऊतक के द्वारा जब ये पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, तो उसे इन्हीं छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है इसका सबसे मुख्य कार्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डायग्राम के साथ। तो चलिए चलते हैं इसमें आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब इसमें दिया गया है विषमपोषी पोषण, यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि क्या विषमपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण का मतलब होता है पोषण का वह माध्यम जिसके द्वारा एक जीव किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपना पोषण करता है, तो उसे विषमपोषी पोषण की परिभाषा दी जाती है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। तो विषमपोषी पोषण को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा है इसमें, सबसे पहला है प्राणी संपोषण, या इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोल दिया जाता है। तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़कर
पूरे जीव को ही खाली पूरे जीव को ही खा लिया जाता है तथा अंदर उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और ये किसके अंदर होता है, ये जो है अमीबा और मानव के अंदर होता है। उसके बाद है मृत जीवी पोषण। तो देखिए जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मृत जीवी, मृत यानी मरा हुआ और जीव यानी कि जो जीवों को खाता है। कहने का मतलब ऐसा पोषण जिसमें एक जीव दूसरे मरे हुए जीव को खाता है। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। यानी जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फंगस पड़ जाती है और वो धीरे धीरे जो है सड़कर जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर जो फफूंदी और फंगस वगैरह जो पड़ जाते हैं वो उसे पूरा पूरा खा जाते हैं। उसके बाद है नंबर 3 पे परजीवी पोषण। तो परजीवी का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब क्या होता है दूसरा, और जीवी यानी कि जीव, यानी कि इसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर जाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उसको मारे बिना, उसको मारे बिना, यानी इसमें एक जीव जो दूसरे को मारेगा भी नहीं और उसके शरीर पे चिपक जाएगा और उससे अपना भोजन प्राप्त करता रहेगा। जैसे कि जूं होता है, जूं क्या होता है, जूं जो है सर में आ जाता है और जिसके भी सर पे वो होता है, जिसके भी सर पे वो होता है उसको मारे बिना, यानी उसको मारता भी नहीं है और उससे अपना भोजन वो प्राप्त करता रहता है। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको मारे बिना उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जौक, अमरवेल, जू और फीताकृमि इसके उदाहरण है। तो ये 3 प्रकार का होता है विषमपोषी पोषण। सबसे पहला कौन सा, प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।